स्टूडेंट्स ही हो। देखो ये कौन सा नोट है, 20 रुपीज़ का नोट है राइट, और ये 5 रुपीज़ का राइट। तो आपके पास अभी 20 और 5 नोट हो तो कितने टोटल कितने नोट्स हैं, टोटल कितने रुपीज़ हैं, 20 प्लस 5 25 रुपीज़ है राइट। देखो यहाँ 100 नोट है, 50 का नोट है और ये 50 पैसे का राइट, 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ 50 पैसा राइट। तो रुपीज़ को पहले 100 प्लस 50 कितने हुए, 150 रुपीज़ हुए और 50 पैसा। पैसे को हम पॉइंट के बाद लिखेंगे ओके। पैसे को कहाँ लिखना है, पॉइंट के बाद लिखना है ओके। देखो यहाँ कंप्लीट द टेबल्स, फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, पहला वाला आपको करके दिखाया। देखो यहाँ कितने रुपीज़ है, 20 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ है और ये 1 रुपीज़ है राइट। तो 20 प्लस 5 25 प्लस 1 26 रुपीज़ राइट। हम रुपीज़ को प्लस कर सकते हैं, रुपीज़ को पैसे के साथ प्लस नहीं कर सकते ओके। तो 20 प्लस 5 25 प्लस 1 26 रुपीज़ ओके। जब भी हम मनी को काउंट करते हैं तब आपको कहाँ से, बड़े नंबर से, बड़े अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए ओके। अब यहाँ देखो नेक्स्ट, 100 प्लस 20 ये दोनों रुपीज़ में राइट, 20 प्लस 5 रुपीज़ है ना, ये 50 पैसा है ओके, 50 कॉइन है ये ओके, तो 50 पैसा है। तो 100 प्लस 20 120 प्लस 5 125 रुपीज़ 50 पैसा। तो कैसे लिखेंगे, 125 रुपीज़, पॉइंट के बाद पैसे को लिखना है 50 पैसा ओके। अब उसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 125 रुपीज़, 125 रुपीस 50 पैसा ओके। दिस वे यू हैव टू राइट ओके। लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन। देखो यहाँ 500 के नोट है राइट, 500 कितना हुआ, 600 हुआ, 600 प्लस एक को कितने का नोट है, 10 रुपीज़ का राइट। 600 एंड 10 रुपीज़ कितना हुआ, रुपीज़ का साइन 610। अब लिखेंगे कैसे, 610 रुपीज़ ओके। नेक्स्ट कौन सा है, 100 का नोट है, 5 का नोट है और 50 पैसा है राइट। 100 प्लस 100 200 प्लस 5 205 रुपीज़ एंड 50 पैसा है ना, 205 रुपीज़ 50 पॉइंट के बाद पैसा का लिखना है ओके, 50 पैसा। अब यहाँ क्या लिखोगे, 205 रुपीज़ 50 पैसा ओके। यहाँ देखो 20 प्लस 20 कितना हुआ, 40 प्लस 5 45 ये दोनों कॉइन्स रुपीज़ है राइट। 45 46 47 48 कितने हुए, 48 रुपीज़ हुआ। तो यहाँ क्या लिखोगे, 48 रुपीज़ 48 रुपीज़ ओके। मेरे यहाँ स्पेस नहीं इसलिए मैंने नीचे लिखा है ओके। अब यहाँ देखो 1550 रुपीज़ है और 5 है, 1000 प्लस 500 1500 राइट, 1500 प्लस 50 1550। अब यहाँ लिख के भी कर सकते हो, 1000 है प्लस 500 है प्लस फिर 50 है ना, तो कितना हुआ टोटल, 0551 राइट। प्लस 5 भी है तो प्लस 5 करोगे तो कितना होगा, 1555 है ना।
सॉरी, यहाँ 5 प्लस करोगे तो 1555 आएगा ना, तो क्या आया रुपीस में 1555 रुपीस। ओके, ऐसे आपको लिखना है वर्ड्स में। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2। ओके, कन्वर्ट रुपीस इनटू ¡Gracias!
स्टूडेंट्स नाउ वी विल सी हाउ टू कन्वर्ट पैसा इनटू रुपीस. ओके, अभी पहले हमने क्या करा था, कैसे क्या सीखा था, कन्वर्ट रुपीस इनटू पैसा. नाउ वी विल सी हाउ टू कन्वर्ट पैसा इनटू रुपीस. ओके, हमें ये तो पता है 1 रुपए कितने पैसा होते हैं, 1 रुपए कितने पैसा होते हैं, 100 पैसा, राइट. तो 100 पैसा 1 रुपये होगा, राइट. अभी हमें पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप है स्टार्ट फ्रॉम द राइट. आपको स्टार्ट करना है राइट से, फिर काउंट करना है 2 डिजिट टू द लेफ्ट. ओके, 2 डिजिट लेफ्ट पे, लेफ्ट से लेफ्ट की ओर काउंट करना है. नाउ पुट अ डॉट टू सेपरेट रुपीस एंड पैसा. उसके बाद आपको डॉट रखना है. ओके, 2 डिजिट के बाद डॉट रखना है, उससे क्या होगा, आपको रुपीस और पैसा सेपरेट हो जाएगा. क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपये होता है, राइट. तो 1 पैसे क्या होगा, 1/100 हो जाएगी, 100 नीचे आ जाएगा, राइट. तो हम रुपी को जो पैसा होगा उसको नीचे 100 से डिवाइड करेंगे. ओके, जो रुपये मिला स्टूडेंट्स. एक्सरसाइज 3, एडिशन, एड द फॉलोइंग.